शादी के लिए इतना ही उतावला हो रहा है ना, क्या लड़की ढूंढ अपने लिए? अरे इंटरनेट पे इसको फॉलोअर्स नहीं मिलते हैं, लड़की क्या मिलेगी? दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे सत्य प्रेम की कथक 36वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और बाईपन भारी देवा की 35वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही जानेंगे दोनों फिल्मों के अब तक के टोटल इंडिया नेट ग्रॉस, ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं सत्य प्रेम की कथा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन में इंडिया में 9,25,00,000 का नेट कलेक्शन किया था, तो अपने पहले वीकेंड में 38,50,00,000 का कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 53,32,00,000 का, दूसरे हफ्ते में 19,24,00,000 का, तीसरे हफ्ते में 8,23,00,000 का, चौथे हफ्ते में 2,85,00,000 का, अपने पांचवे वीकेंड में 68,00,000 का कलेक्शन किया था। वहीं इस फिल्म ने अपने 33वें दिन में 11,00,000 का, 34वें दिन में 8,00,000 का, 35वें दिन में 6,00,000 का और अपने 36वें दिन में यानी गुरुवार के दिन में 4,00,000 का नेट कलेक्शन किया। और इसी के साथ इस फिल्म के 36 दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 84,61,00,000 हो चुका है, तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 101,80,00,000 हो चुका है। इस फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 25,80,00,000 का कलेक्शन किया। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के 36 दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 127,60,00,000 हो चुका है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट तकरीबन 62 करोड़ है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में हिट साबित हुई है। अब जानते हैं बाईपन भारी देवा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन में इंडिया में 1,07,00,000 का नेट कलेक्शन किया था, तो अपने पहले वीकेंड में 6,66,00,000 का कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 12,53,00,000 का, दूसरे हफ्ते में 24,70,00,000 का, तीसरे हफ्ते में 20,60,00,000 का, चौथे हफ्ते में 10 करोड़ का, अपने पांचवे वीकेंड में 2,78,00,000 का कलेक्शन किया था। वहीं इस फिल्म ने अपने 32वें दिन में 40,00,000 का, 33वें दिन में 38,00,000 का, 34वें दिन में 32,00,000 का और अपने 35वें दिन में यानी गुरुवार के दिन में लगभग 26,00,000 का नेट कलेक्शन किया है। और इसी के साथ इस फिल्म के 35 दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 71,97,00,000 हो चुका है, तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 85,80,00,000 हो चुका है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट तकरीबन 6 करोड़ है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। ये फिल्म मराठी इंडस्ट्री की सैराट के बाद दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। तो दोस्तों अगर आपने दोनों फिल्म देख लिया तो आपको इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई है कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसे ही बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।